करेंगे दो लेटर, ऐसे दो लेटर के ऊपर जो सातवें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, और यहीं से आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं दो लेटर के ऊपर बात करूंगा और इस लेटर से जाहिर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आपके सातवें चरण शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बस अब विज्ञप्ति देखने को मिलेगा आप लोगों को, यानी कि नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और वो भी आपको अप्रैल महीने में मिल जाएगा, मिड अप्रैल में मिल जाएगा निश्चित तौर पे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि अब तो विज्ञप्ति आ ही जाएगी। आप लोग को तब तक एक्टिव रहना है जब तक कि विज्ञप्ति नोटिफिकेशन निकल नहीं जाता है। लेकिन यह लेटर जो है, जब इस लेटर को मैं आपको दिखाऊंगा पूरे पढ़ के, जब मैं बताऊंगा, दो लेटर है मेरे पास, ये भोजपुर का आप देख रहे होंगे और दूसरा जो लेटर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। दोनों लेटर को जो आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे संतुष्टि मिलेगी, और यह लेटर निश्चित तौर पे सेवेंथ फेज के रिगार्डिंग ही है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, और वीडियो को निश्चित तौर पर लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी, मान लीजिए अगर आपका पर्सनल कमेंट, ये पर्सनल कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जो इंस्टाग्राम हमारा है KR Shivam J, इस आईडी पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टा आईडी है, और यहीं आप अपना निजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं जो ये लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ जब आप देखिएगा, मैं उतना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे विषय के ऊपर चलता हूँ। विषय देखिएगा यहाँ, तो न्यूली रिक्रूटेड शिक्षकों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में, देखिए न्यूली रिक्रूटेड शिक्षकों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में जितनी भी भर्तियाँ हुई है, नई भर्तियाँ हुई है, तो कितनी भर्तियाँ हुई है ये संख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है। तो ये संख्या उपलब्ध कराने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि कितने भर्तियां हो चुकी, मतलब कह सकते हैं कि कितनी भर्तियां हो चुकी है और कितने सीट खाली हैं, रिक्तियां जानना जरूरी है, इसलिए ये मंगाया गया है। दूसरा जो लेटर मैं आपको मधुबनी वाला दिखाऊंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारी बात सातवें चरण के लिए ही की जा रही है। और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, और ये लेटर आप देखिएगा 16 मार्च को जो है सो आज ही, अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है अगर ये वीडियो कल लोड हो, अपलोड हो, तो 17 तारीख हो जाएगा, लेकिन बना रहा हूँ मैं 16 को। तो यहाँ आप जब देखिएगा, तो यहाँ विषय में, इसमें इसके विषय में देखिएगा तो लिखा हुआ है, वैसे प्रखंड एवं पंचायत जहाँ एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, जहाँ एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है वहाँ के कोटिवार रिक्ति की गणना, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 31/12/2018 के बाद सेवानिवृत्त हुई। अब यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ जो है सो बैकलॉग की रिक्तियाँ नहीं, बल्कि जो रिटायर हुए हैं उसकी, उनका भी, जो रिटायर हुए हैं उनका भी रिक्ति मंगाया जा रहा है। और उनके रिक्ति मंगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट नीचे लिखा हुआ है, और यही पॉइंट जो है नोट करने योग्य है सातवें चरण अभ्यर्थियों के लिए, अंकनीय है कि उक्त रिक्ति के आधार पर ही सप्तम चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। तो इस लेटर के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि सातवें चरण के लिए विभाग जो है सजग है, और सिर्फ जो है अब अभ्यर्थियों को सजग होके, एक्टिव होके, सरकार पे प्रेशर बना के यह विज्ञप्ति निकलवा लेना है। तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर बनाना ही होगा। अगर सरकार विदाउट प्रेशर विज्ञप्ति दे दे, कुछ ना कुछ गुड न्यूज दे दे एक दो सप्ताह के अंदर, तो फिर बल्ले बल्ले है। अगर नहीं देती है तो आप लोग तैयार रहिए पटना की धरती पे उतरने के लिए, आंदोलन के लिए। और दूसरी बात, एक सूचना मैं दे दूं कि 20 तारीख को, 20 मार्च यानी कि होली मनाने के जस्ट बाद जो 20 मार्च आ रहा है, उस दिन फिर से ट्विटर कैंपेन होने वाला है। तो उस ट्विटर कैंपेन में निश्चित तौर पे भाग लें, और हैशटैग जो है आपको हमारे कम्युनिटी टैब में कुछ देर पहले मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर, ये आपको मानना पड़ेगा। तो हर एक प्रतिक्रिया में, हर एक एक्टिविटी में आप निश्चित तौर पे भाग लें, और एक जिम्मेवार अभ्यर्थी बन के दिखा दें, तभी ये जो है धरातल पे उतर पाएगा। तो ये लेटर दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग जो है भी पॉजिटिव कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है
शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।